रहमतुल्लाहि व व व बरकातहू रब्बिल आलमीन सलाम असल रसूलिल अमीन व अला आलिही व सहबीही अजमईन अजमैन बाद नादरीन आई प्लस देने हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से आने वाले सवालत के जवाब देने की कोशिश करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपने सवालात हम तक भेजना चाहें और हमसे उनके जवाब जानना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं याद रहे इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है बल्कि इस नंबर पर जो व्हाट्सएप मौजूद है उसी पर आपको अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजना है आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो में रिकॉर्ड करके भेज दें या चाहें तो अपना सवाल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दें या चाहें तो लिख भेज दें लेकिन याद रखें जो सवाल हम तक वीडियो या ऑडियो की शक्ल में आते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं और जो तहरीरी सवालत होते हैं उनका नंबर बहुत बाद में आता है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द अज जल्द जवाब मिल जाए तो आप वीडियो में ही अपना सवाल भेजने की कोशिश करें या कम से कम ऑडियो में अपना सवाल भेजें याद रहे वीडियो और ऑडियो में भी हम वीडियो वाले सवाल को तरजीह देते हैं उसके बाद ही ऑडियो का नंबर आता है सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज में हो इसी तरह आपका सवाल बासद हो यानी उसके जवाब की वाकईतन किसी को ज़रूरत हो सिर्फ बहस व मबासे के लिए किलो काल के लिए सवाल ना हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ तो नाजरीन आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारे पास सवाल की फहरिस्त है सबसे पहले वीडियो में सवाल है उसको देखते हैं असलकम व्लि वर्का मेरा नाम इम्तियाज़ है मैं कर्नाटक दानगर से बोल रहा हूँ मेरा सवाल यह है जब हम लोग कोई गाड़ी ख़रीदते हैं चाहे चार चक्का की हो चाहे दो चक्का की हो उसमें हम लोग पानी में फूक मार करके उसके ऊपर छिड़का जा सकता है क्या दूसरा सवाल यह है जब हम लोग किसी गैर आदमी की गाड़ी लेते हैं पुरानी वाली तो उसमें वो लोग नींबू बांध के रखा हुआ रहता है तो उस नींबू को हम लोग हटा सकते हैं क्या और हटाने के लिए कोई दुआ पढ़ना पड़ सकते हैं क्या कोई दुआ है तो उसको बतला दीजिए वरमक हमारे भाई साहब ने वीडियो में जो सवाल पूछा है इससे पहले गालिबा ऑडियो में सवाल आ चुका है और इसका तफसील से हम जवाब दे चुके हैं इसलिए हम भाई साहब से गुजारिश करेंगे कि वो जवाब सर्च करके सुन लें यहाँ मुख्तसर मैं ये अर्ज करूँगा कि आपका जो पहला सवाल है कि जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते हुए हिंदू लोग पता नहीं क्या क्या उसके साथ करते हैं पूजा पाठ करते हैं शायद उनका अकीदा ये हो कि इससे गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा तो मुसलमान होने के नाते हम क्या कर सकते हैं तो ये भाई साहब का सवाल है तो इसका जवाब यह है कि हमको हर मामले में वही करना है जो कुरान हदीस से मिलता है और जहाँ कुरान हदीस की कोई तालीम नहीं है वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है गरचे दुनिया भर कुछ ना कुछ करें तो हमारा ये तरीका नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों की कॉपी करेंगे कि फ़लां आदमी ऐसा कर रहा अब हमारे लिए भी वैसा होना चाहिए नहीं हमें सिर्फ ये देखना है कि कुरानो हदीस में हमें क्या रहनमाई दी गई है वैसे ही करना है दूसरों की कॉपी नहीं करना है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है हमें मतलब सिर्फ इस बात से होना चाहिए कि कुरान हदीस में क्या तालीम दी गई है तो गाड़ी ख़रीदने के बाद उसके साथ पूजा पाठ का कोई तस्वूर इस्लाम में नहीं है बाल लोगों ने एक बात कही है जो दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह के नबी सल वसम ने यह सिखलाया है कि कोई नई वादी को लेकर आता है या औरत को लेकर आता है या सवारी लेता है तो ये एक दुआ सिखलाई गई कि यह पढ़ना चाहिए लेकिन देखिए वो जानदार से मुतलिक है हैं जिसके अंदर जान होती है जिसके अंदर हरकत होती है उसके ताल्लुक से वजीफ़ा है और ये गाड़ी इसके अपने आप में कोई हरकत नहीं होती ना इसके साथ कोई शैतान होता है ना इसका ख़ुद की कोई मर्जी होती है असल जो ड्राइवर है जिस तरह वो चलाता है उसी का सारा मामला होता है इसलिए गाड़ी को उस पर क्यास करते हुए और गाड़ी के साथ भी वो वजीफा पढ़ना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है इसकी कोई दलील नहीं है तो गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी की पूजा पाठ करना या कोई वजीफा पढ़ना कुरान हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है और इससे ज़्यादा हमें इस बात को अहमियत देनी चाहिए कि अगर हम गाड़ी पे जा रहे हैं सफ़र पे जा रहे हैं तो हम ये देखें कि सफ़र की दुआ क्या है गाड़ी पर सवार होने की दुआ क्या है ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस मामले पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए नए कि आपने गाड़ी खरीदी और वन टाइम पूजा पाठ करके या वजीफ़ा करके या कुछ भी करके आप ये समझते हैं कि अब लाइफ टाइम के लिए हमारी गाड़ी सिक्योर होगी अब हमारी गाड़ी के साथ कोई हादसा नहीं होगा सिर्फ वन सिटिंग में आपका सारा मामला हल हो गया ऐसा नहीं है ऐसा कोई पैकेज नहीं है समझ रहे आपको हर दफ़ा दुआ पढ़नी चाहिए जब जब सवारी पर सवार हों दुआ पढ़ें इसी तरह से जब सफ़र में हो तो सफ़र की दुआ का ध्यान रखें ये चीज़ है जो हमको करनी चाहिए ना ये कि गैरों के नक्शे कदम पर चलते हुए हम ये सोचें कि वो लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो पूजा पाठ करते हैं तो हम भी कुछ करें तो ये ख्याल हमारे जहन में नहीं आना चाहिए आपका दूसरा सवाल ये है कि हम किसी नॉन मुस्लिम से गाड़ी बाई करते हैं तो वो उसके साथ कुछ किया हुआ हो, होता है तो हमें क्या करना चाहिए देखिए तो हमें कुछ नहीं करना है हमने अगर गाड़ी खरीद दी है अगर उस गाड़ी के साथ उसने जो कुछ किया है वो जाने उसका काम जाने अब गाड़ी हमारे हाथ में अब हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है अलबत्त गाड़ी के साथ अगर कुछ ऐसी अलामतें हैं जैसे उसने कोई धागा बांध के रखा है कोई ताबीज लगा के रखा है तो वो सब निकाल के फेंक देना है बाकी उसके साथ कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना कुछ पढ़ने की जरूरत है ये बात जहन से निकाल देना है कि उसके पास ये गाड़ी थी और वो पूजा पाठ करता था तो गाड़ी के अंदर कोई चीज शामिल हो गई होगी ऐसी कोई बात नहीं है उसकी पूजा करने से गाड़ी के अंदर कोई चीज आ गई है जिसको दुआ पढ़ के निकालना भगाना जरूरी है ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि गाड़ी आप लीजिए और जिस तरह से आपको इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कीजिए कुछ आसार हैं कुछ बांध बांध के रखा है धागा वगैरह तो उसको काट के फेंक दीजिए बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं सवाल ये है क्या मैं अपने सास ससुर को का पैसा दे सकता हूँ भाई साहब का सवाल ये है कि क्या मैं अपने सास या ससुर को जक़त का पैसा दे सकता हूँ देखिए अगर वो मुस्तक हैं ज़क़ात के गरीब हैं फ़ीर हैं तो आप बिल्कुल उनको ज़कात का पैसा दे सकते हैं क्योंकि उनकी देखभाल ये आप पर वाजिब नहीं है उनके अखराजात की जिम्मेदारी आप पर नहीं है तो आप उनको ज़कात का पैसा दे सकते हैं बल्कि ये देखिए कि एक तरह से शहरी रिश्ता होता उनके साथ इसलिए अगर उन्हें जक़त देंगे तो सवाब ज़्यादा मिलने की उम्मीद है बनसबत इसकी कि आप किसी और को ज़क़़त दें क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें होती है एक तो ये कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं यानी जो शहरी यानी रहमी रिश्ता तो नहीं है लेकिन शहरी रिश्ता है एक ताल्लुक़ है उसकी रियायत कर रहे हैं आप तो एक तो जकूआत दे रहे हैं और दूसरा ये कि अपनी बीवी के रहमी रिश्तेदारों का साथ दे रहे हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो उम्मीद है कि इसका डबल सवाब मिलेगा अब्दुलबिन मसूद रजी अल्लाह तुनों से मुतल्लिक़ एक रिवायत है सही बुखारी वगैरह में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेद के दिन खुतबा दिया और ख़िन को बतौर खास उभारा तसदक ना तसद ना कि आप सद का करें सद का करें वो लंबी रवायत है तो उसी मौके पर यानी ईदगाही में बहुत सारी खातन ने अपने जेवरात उतार दिए अल्लाह की राय में बहुत सद का खैरत किया तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह की बीवी जो वहाँ पर थी वो अल्लाह के नबी सल्ला व्ल्म के घर आती और कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम आपने आज सदका करने पर उभारा सदका करने की बात की है सारी औरतों ने सदका किया मैं भी सदका कर सकती हूँ लेकिन मेरा मामला ये कि मेरे पास जो आमदनी है या जो पैसा आता है कहीं से भी तो मैं उसे अपने शौहर पर खर्च करती हूँ यानी मेरे शौहर अपनी ज़रूरत के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए जो यानी उनकी जिम्मेदारी खर्चा करना मेरा तो नहीं है और शौहर का बीवी से जो रिश्ता होता है वो शहरी रिश्ता होता है निकाह का रिश्ता होता है तो कहा कि मैं अपने शौहर को देती हूँ यानी सदका अपने शौहर को देती हूँ अपने बच्चों का नहीं भाई कोई अपने बच्चों को थोड़ी सदका देगा लेकिन शौहर को दे रहे हैं क्योंकि शौहर की जिम्मेदारी तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा कि इसमें तो डबल अजर है यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रजिया की बीवी ये समझ रही थी कि और औरतें तो सदका करके स्वब ले रही हैं मेरा क्या होगा मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन अगर ये पैसे मैं अपने शोहर को दे रही हूँ और उसके पीछे सवाब नहीं मिला तो मैं जहन्नम से बचने का बंदोबस्त कैसे करूँ मैं सदका करके अगर जहन्नम से बचाव का रास्ता इख्तियार करना चाहूँ तो कैसे करूँ क्योंकि मेरे पास तो पैसा बचता नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि तुम सदका नहीं कर रही हो बल्कि कहा कि तुम्हारा तो डबल सवाब है एक तो सदका कर रही हो और दूसरा अपने साथ रहने वालों का ख्याल रख रही हो तो ऐसे अगर कोई आदमी सास ससुर को अगर वो मुस्तक हैं और जक़ात देता है तो ये बहुत अच्छी बात है देना चाहिए लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर अल्लाह ताला ने आपको उसत दी है ताकत दी है आप जकवात निकाल लें तो उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी खासी फरावानी होगी आपके पास तो अगर आपके पास अच्छी खासी फरावानी है माल है पैसा है तो आप जकवात के माल पर इतफा करें बल्कि अलग से सास ससुर की मदद करें यानी अलग से जो आपके पैसे ना उन पैसों से उनकी मदद करें जक़ात वगैरह से किसी गरीब फ़कीर की आप मदद करें तो आपके साथ ससुर बरचे फ़कीर के ज़ुमरे में आते हो मस्किन के ज़ुमरे में आते हो जकवात लेने के लिए एलिजिबल है वो लेकिन इसके बावजूद भी आप बड़े दिल का सबूत दीजिए और उनको जकवात के अलावा दीजिए उनको उनका सपोर्ट कीजिए ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप उनको जक़त दें अच्छा इसमें भी सवाल है यानी ये जो फ़र्ज जकवात है वो ना देखे ये जो ऐसे ही आप ताउन करें या तोहफा दें तो भी ऐसा नहीं कि वो ज़ाय हो जाएगा उसके पीछे सवाब नहीं उसके पीछे भी सवाब है अगर आपकी नीयत है कि हम इनका सपोर्ट करना चाहते हैं इनकी मदद करना चाहते हैं इनको दे रहे हैं हदिया ही है के में दे रहे हैं तो उस पर भी सवाब है तो अगर अल्लाह ताला ने नवाजा है तो हदिया देना चाहिए तोहफ़ा देना चाहिए और अगर इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है थोड़ी मोटी जक़ात निकलती है और आप ज़क़ात भी उनको दे सकते हैं अगर वो उसके मुस्क है तो उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम असल वरम्ला वरक शेख क्या हाल है सब खैरियत से हैं मेरा नाम अहमद है मैं आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ शेख पूछना यह था कि जो हम जकवात निकालते हैं क्या अपने सगे भाई को जो कि अलग रहते हैं और एक मेरे मामू हैं और दोनों की मतलब कि माली हालत बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो इसलिए उनकी क्या जक़ुत दे सकते हैं उनको क्योंकि मेरे पास जो है इतना और नहीं है कि मैं उनको ऐसे हेल्प कर सकूं अगर जकवात निकलती है वो देने के लिए मैं सोच रहा हूं उनको तो क्या दे सकता हूं वैसे हेल्प तो जितना हो सकता है कर लेता हूं लेकिन जो बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत है ये जकवात का पैसा ज़्यादा निकलता है तो मैं सोचता हूँ उन लोगों को दोनों में आधा आधा डिवाइड करके तकसीम कर दूँ वो क्या सही रहेगा से और क्या ये बताना लाजिम है कि ये जकवात का पैसा है जैसा खैर शेख भाई साहब ने सवाल ये किया है कि सगे भाई या मामू को जक़ात दे सकते कि नहीं यानी इनके सामने दो रिश्तेदार हैं सगे भाई हैं मामू हैं इनको ज़क़ात दे सकते कि तो देखिए सगे भाई का जो मसला है कभी कभी बाज़ हालतें ऐसी होती हैं कि सगे भाई की देखभाल करना उनका खर्चा उठाना उनकी सरपरस्ती करना ये दूसरे सगे भाई पर वाजिब हो जाता है अगर वो उसका अहल है तो आपने जो सवाल किया है असल में पहले यह कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका सगा भाई किस कैफियत में है अगर देखिए आपके सगे भाई की शादी नहीं हुई है और आपके वालिद भी बाहयात नहीं है आपका कोई सगा भाई है उसकी शादी नहीं हुई है और उसके अब्बा भी जिंदा नहीं है आप दोनों के अब्बा भी जिंदा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप उसको जक़ात नहीं दे सकते बल्कि ऐसी सूरत में आप पर फर्ज हो जाएगा कि आप उसकी किफ़ालत करें अगर वो छोटा है कमा नहीं सकता है कोई मसला है उसके साथ यानी वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा है वो अभी अभी इस लाइक नहीं हुआ है कि कमाए है तो ऐसा है या गरीब है मस्किन है ऐसा कोई भी मसला है तो अगर आप उसके वारिस बन रहे हों यानी उसकी शादी नहीं हुई है उसके बाप नहीं आपके उसके बाप नहीं तो ऐसी सूरत में आप उसके वारिस बनोगे अगर वो मर गया कुछ भी छोड़ के तो वो आपको मिलेगा तो जो आदमी जिसका वारिस होता है अगर उसको ख़र्चे की जरूरत होती है तो जो वारिस है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस का खर्चा उठाए कुरान में, में भी जिम्मेदारी तो शादी नहीं हुई है और उसके और आपके अबा अब वाह नहीं है अगर इस कैफियत में है तब तो आप उसको जकत नहीं दे सकते बल्कि आपको क्या देना होगा आपको असल पैसा खर्च करना होगा और ये एहसान नहीं बल्कि फर्ज होगा यानी आपके पास पैसा तभी तो जकत निकल रही है तो आप वही पैसा जो आपका सेविंग है उसी में से निकाल के आपको उस पर ख़र्च करना पड़ेगा वा अजीबी तौर पर लाजमी तौर पर ना ये कि कोई इस्तेबावी अमल होगा आ, कोई बात होगी बल्कि आप पर ये लाजिम होगा इसी तरह अगर आपके भाई की शादी हो भी गई हो और उसके बच्चे ना हों और आपके अब्बा भी वाहियात ना हो तो इस कंडीशन में भी उसकी देखभाल करना आप पर लाजिम है फ़र्ज़ है तो आप उसे जक़ात नहीं दे सकते असल पैसे से आप उसके हेल्प करेंगे आप उसका पूरा ख़र्चा उठाएंगे इसी तरह से ये भी कि अगर आपके भाई की शादी हो चुकी हो और बच्चे भी हों लेकिन सिर्फ लड़कियां हों लड़के ना हों और आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया हो तो इस सूरत में भी आप उसके वारिस बनेंगे इसलिए इस सूरत में भी आप पर लाजिम होगा कि आप उसका खर्चा उठाएं तो ये वो सूरतें हैं जिनमें आप पर लाजिम होता है कि आप उसका खर्चा उठाएं तो जब जब आप पे लाजिम होगा कि आप उसका खर्चा उठाएं तब तब आप उसे जक़ात नहीं दे सकते बल्कि आप उसका खर्चा उठाएंगे लेकिन अगर आप इस कैफियत में नहीं है कि उसका खर्चा उठाना आप पर लाजिम है और फिर वो शख्स गरीब है फकीर है मस्किन है तो आप उसे ज़क़ात दे सकते हैं आपका कोई भाई है उसकी शादी हो चुकी है उसका अपना बेटा है लेकिन वो गरीब है फकीर है मस्किन है तो आप उसे ज़क़ात दे सकते हैं अगर उसका बेटा है ज़िंदा तो आप अपने भाई को ज़क़ात दे सकते हैं बशर्ते है कि वो मस्किन है या फकीर है तो आप उसे जकवात दे सकते हैं तो ये थोड़ी सी तफसील है यानी अल इतलाक़ ये नहीं कह सकते हैं कि भाई को जकवात दे सकते हैं न ये कह सकते हैं कि भाई को जक़ात नहीं दे सकते अलग अलग हालात होते हैं वो हालात देख के फैसला किया जा सकता है कि उसको जक़त दे सकते हैं कि नहीं आपने अपने भाई के बारे में इन हालात की वजहत नहीं की है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अपने भाई को जक़त दे सकते कि नहीं हो सकता है दे सकते हो हो सकता है ना दे सकते हो मैंने दोनों हालात बताएं आप अप्लाई करके नतीजा निकाल सकते हैं इंशाल्लाह दूसरा सवाल ये है कि मामू को जक़त दे सकते हैं कि नहीं अगर मामू गरीब है मस्किन है तो आप जक़ात दे सकते हैं इसमें कोई मसला ही नहीं क्योंकि मामू के वारिस भांजा नहीं होता है अरहम की एक बहस है लेकिन वो भी मुख्तलफी है वो एक अलग नोयीत की बहस है लेकिन रियल वारिस नहीं होता है इसलिए मामू वगैरह को जकआत दी जा सकती है इसमें कोई मसला है नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व शेख सलाम औरंगाबाद से शेख मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से रमज़ान में वितर की नमाज इमाम के पीछे बुलंदवाज में इमाम पढ़ाते हैं तो क्या उस तरह हम डेली जो वितर की नमाज पढ़ते हैं तो घर में हम बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं यह सलाम भाई हैं औरंगाबाद से सवाल कर रहे हैं कहते हैं कि जिस तरह से हम रमज़ान में वितर की नमाज़ ज़ोर से पढ़ते हैं जमात से पढ़ते हैं उसमें जो करत है वो जहर से होती है तो ऐसे हम गैर रमज़ान में भी जमात से जो तहज पढ़ें उसमें कर सकते हैं तो देखिए कभी कभार ऐसा कर सकते हैं इसमें कोई हरज की बात नहीं आती क्योंकि मुस्तकिल यही तरीका इख्तियार कर लेना ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना साहब कराम रज़ील्ह में से किसी से साबित है इसलिए हमेशा के लिए ज़िंदगी भर के लिए नहीं बना सकते कि रोज़ाना घर में तहजद की जमात होगी और जहरी करत होगी नहीं हाँ कभी कभी लोग इकट्ठा होंगे घर वाले पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं तो वितर की नमाज़ भी जहर से पढ़ सकते हैं कोई मसला नहीं लेकिन इसे मुस्तकिल हमेशा के लिए ये आदत नहीं अपनाई जा सकती है ये सिर्फ़ रमज़ान का मामला है कि पूरे रमज़ान में इसकी पाबंदी होगी लेकिन रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़े लेकिन हमेशा के लिए उसकी आदत बना ले या ये तय कर ले कि हमेशा हम ऐसे ही करेंगे ये ठीक नहीं है क्यों इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से और साब कराम से ये साबित तो नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलामुअलैकुम असलकम वाल मेरे अब जब हयात थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो विरासत जो है वो सिर्फ़ एक बेटे को दे पहले ताकि वो घर ले लें पर मेरी बहन और उसके हस्बैंड ने बताया उन्हें कि अगर एक बेटे को दे रहे हो तो सबको देना होगा तीनों बेटों को और मेरी सिस्टर को उसका आधा मगर जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया तो मेरी बहन को पता चला कि वो जीते जीते जी अगर देते हैं तो वो गिफ्ट होता है जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पर अभी मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है तो वो मेरी बहन बोल रही है कि जब भी विरासत की तकसीम होगी तो मैं जो मुझे आधा मिला था मैं वो पूरा लूंगी तो कहाँ तक ये है इसका मसला बताइए भाई साहब का सवाल ये है कि किसी शख्स ने अपने बेटे को कुछ हिबा करना चाहा था तो किसी ने उनको बताया कि भाई बेटे को आप देंगे तो बेटा और बेटी सबको देना पड़ेगा लेकिन वो इस तरीके पर उन्होंने किया कि बेटी को आधा दिया और बेटों को डबल जैसे विरासत में होता है तो इस तरह से तकसीम कर दिया अपनी ज़िंदगी में यानी बेटे को बेटी का डबल दिया और उसका जो आधा होता है वो बेटी को दिया और ये करके आदमी फोत हो गया तो अभी जो बेटियां हैं यानी जो भाइयों की जो बहनें हैं उनको कहीं से पता लगा कि अगर अपनी जिंदगी में कोई बांटना चाहता है तो बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करेगा दोनों को बराबर बराबर देगा तो उन बहनों का ऑब्जेक्शन है इस तकसीम पर और उनका ये सवाल है कि ये गलत हुआ है और इसकी रिकवरी होनी चाहिए तो उन बहनों का कहना है कि विरासत जो है जब वो बटेगी तो वहाँ से हमको मिलना चाहिए जो हमारा नहीं मिल पाया था वो मिलना चाहिए बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और ये सवाल सोए हुए लोगों को जगाने के लिए काफ़ी है जो ये कहते हैं कि लड़कियां अपना हिस्सा माफ़ कर देती हैं तो इस तरह के सवाल आते हैं तो पता चलता है कि लड़कियां माफ़ करती हैं या, या बेचारी वो मजबूर होती हैं देखिए होता क्या है आमतौर से कि जब बाप अपनी बेटी की शादी करता है हालांकि वो हदिया होता है शादी के वक्त जो भी देता है या तो हदिया या रिश्वत जो भी है तो बेटे क्या करते हैं विरासत बढ़ती है तो वहाँ जाके रिकवरी करते हैं और यह कहते हैं कि अब्बा ने तो शादी के टाइम पे दे दिया था अब विरासत सिर्फ हमारी है ये बेटे कहते हैं जो कि गलत है उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन ये अक्सर हम लड़कों से मुतल ही सुनते हैं कि बहनों की शादियों में जो खर्च हुआ वो विरासत में वो माइनस कर लेते नहीं देते यह वाला देखें लेकिन अब ये दूसरी तरफ इस तरफ से जो सवाल आया है आप ये देखें कि अब बेटियां ये कहने लगी हैं कि विरासत में तुम्हारा माइनस होगा क्योंकि अब्बा ने ज़िंदगी में तुमको दे दिया था अब विरासत में तुम्हारा वो हिस्सा माइनस होना चाहिए हमारे नुकसान की भरपाई होनी चाहिए विरासत में असल में ये दोनों मुतालबे गलत हैं अगर किसी बाप ने अपनी बेटी को शादी में दे दिया चाहे वो हदिया चाहे रिश्वत जिसको हम जहेज कहते हैं जो भी हो दे दिया तो उस चीज़ का हवाला दे के विरासत के माल में कोई उलट फेर आप नहीं कर सकते हैं और ऐसे ही अगर बाप ने अपने बेटे को हदिया दे दिया बेटी को नहीं दिया तो उस चीज का हवाला दे के विरासत के माल में कोई उलट फेर नहीं कर सकते विरासत का मामला अलग है और हदिए के मामला अलग है हदिये में कोई गलती हुई है तो हदिए के माल को लेके उसको ठीक करें विरासत के माल के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए ये पहली चीज़ वाजे होनी चाहिए अब आइए असल बात पर आते हैं कि अगर कोई बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को देता है तो क्या वो बराबर बराबर बांटने का पाबंद है लड़का और लड़की में बगैर तफरीक किए या लिजकरी लिज़क्र हजिल हजलुन्सैन जो विरासत में चलता है वो यहाँ भी लागू होगा तो देखिए इस सिलसिले में जमहूर अहल बल्कि चार फ़री मजाहब में तीन फ़े हनफी फ़े मालिक फ़िक शाफ़ी तीनों में आपको इतफ़ाक़ मिलेगा कि जब अगर ज़िंदगी में आप बांटेंगे तो लड़का और लड़की में कोई फ़र्क आप नहीं करेंगे सबको बराबर बराबर देना होगा फ़िके हम्बली जो है उसका ये मसला है कि अगर जिंदगी में बांटेगा तो विरासत के तरीके पर बांटेगा लिज्ज़ा कर हजिल हजलसैन की तरह से बांटेगा ये फ़िके हम्बली के यहाँ है अलबा फ़िके हम्बली से मंसूब बहुत सारे उलमा भी इस बात को नहीं मानते हैं इसको तस्लीम नहीं करते हैं लेकिन बहरहाल उनके यहाँ ये मसला है तो ये सिर्फ फेक हमले के यहाँ मसला पाया जाता है ये शाज मसला है सही बात जो जमहूर इल्म ने कही है पूरी उम्मत में जो आम मौकफ़ रहा है वो यही रहा है कि अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपनी औलाद में तकसीम करेगा तो उसे बराबर बराबर देना होगा ऐसा इसलिए कि, कि इस सिलसिले का जो एक वाक़ है जो मुख्तलि कुत्बी अहदीस में मनकोल है उसमें बात बहुत ही क्लियर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला हो उनके अब्बा ने उनके नाम कुछ कर दिया था कोई जायदाद कर दिया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाने के लिए आए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐसे बखरी वगैरह में भी ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास और भी बच्चे हैं बाद में सिवा क्या इसके अलावा भी तुम्हारी औलाद है वलद का सिवा वलद में लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं क्या इसके अलावा तुम्हारी और औलाद है उन्होंने कहा तो बाद रवायत में है तहावी वगैरह की रवायत में तो क्या तुमने उन दूसरी औलाद में से हर एक को उतना ही दिया जितना इसको दिया क्या नहीं तो कहा कि फिर तो मैं इस जुलम पे गवाह नहीं बन सकता तो अल्लाह के वसल्लम ने यह दिया है इस सारी रवायात को नकल करते हैं तो बात बहुत खुल के सामने आती है कि बाकायदा यह जबता है कि एक शख्स अपनी जिंदगी में अगर अपनी औलाद में बांटेगा तो वो पाबंद है कि बराबर बराबर तकसीम करे वो विरासत की तरह से कम ज्यादा नहीं कर सकता वजह क्या है इसलिए कि विरासत का मसला अलग से कुरान में बयान हुआ है और ये हदी के मसला हदीस में बयान हुआ अलग तरह से तो अलग अलग मसले अलग अलग तरीके से बयान हुए हैं तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए विरासत की बात अलग है हदी की बात अलग है और इस सिलसिले में सही बात यही है कि वन डबल के हिसाब से नहीं देगा बल्कि बराबर बराबर मसावात करेगा वो बेटा हो या बेटी हो सब वो बराबर देगा किसी का हिस्सा वो कम नहीं कर सकता बेटी का हिस्सा कम नहीं कर सकता बेटे को और बेटी को सबको बराबर देगा यही सही बात है अब मसला ये है कि बाप ने ऐसी तकसीम नहीं किया तो उसका हल क्या है तो उसका हल सिर्फ एक ही है अगर मुमकिन है तो उसका हल ये है कि सारे वारसिन इकट्ठा हों और सब राजी हों इस बात से कि चलो भाई बहनों को पूरा देना चाहिए था अब्बा ने आधा ही दिया है तो हम इसको ठीक कर है लेते हैं तो इस तरीके पे आप अमल कर सकते हैं सब लोगों के इतफाक़ राय से इस पे अमल किया जा सकता है कि जो लॉस हुआ है बेटियों का और भाई लोग उसको इस तरीके पर दे दें ये ज़्यादा बेहतर है तो जिंदगी में अगर बाप ने गलत दे दिया चाहे बेटे को दिया या बेटी को तो इन दोनों में से कोई भी जाके विरासत में मांग नहीं कर सकता बल्कि इन दोनों को उसी माल में जो जिंदगी में बाप ने दिया है उसी माल में अपना कब्जा जताना चाहिए और वहीं से लेने की कोशिश करनी चाहिए उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा नाजरीन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर लेकिन याद रखें जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब जल्द अज जल्द आपको मिले तो आप वीडियो ही में सवाल करने की कोशिश कीजिए या कम अज कम ऑडियो में अपना सवाल भेजिए याद रखें ऑडियो और वीडियो ये दोनों सवाल अगर हमारे पास होते तो हम इसमें वीडियो को सबसे पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज में हो बहुत लंबा ना हो बहुत लंबा सवाल करना है तो किसी आलिम के साथ बैठना चाहिए मीटिंग करना चाहिए वहां अपने सारे सवाल तो रखना चाहिए इस तरह ऑनलाइन आपको बहुत लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए अपने सवाल में इस तरह आपका सवाल बामक हो यानी उस पर अमल करने की आपको जरूरत हो या किसी को जरूरत हो ऐसे ही बेकार के सवाल बेमकस सवाल जिनके जवाब का कोई फायदा है ना आपको होने वाला है ना किसी को होने वाला है और मकसद अमल करना नहीं है, हजत करना है तो इस तरह के सवाल हमारे पास ना भेजे जाए और सवाल करते हुए कोशिश करें कि सवाल करते हुए अपना नाम और पता भी आप बता दें इन चीज़ों का ख़्याल करते हुए अगर आपके सवाल हमारे पास आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ नाजरन आगे बढ़ते हैं हमारे पास कुछ और सवाल आते हैं उनको देखते हैं देखते हैं अगला सवाल असलकम वैक्कम मैं राजस्थान जोधपुर से रहीम मेरा सवाल ये है कि मैं दुकान पे जाता हूँ और दुकान पे तीन वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ असर मगरिब और जौहर ईसा में घर आता हूँ और इस शाम और फजर में नमाज घर पे ही अदा करता हूँ मस्जिद दूर है मस्जिद की अजान की आवाज़ नहीं आती है तो घर पे नमाज पढ़ना सही है या नहीं नहींकुमी वरक भाई साहब ने कहा है कि मैं तीन वक्त की नमाज पढ़ता हूँ में जहाँ ये काम करने जाते हैं बाकी दो वक्त की ईशा और फजर की नमाज़ घर पे पढ़ते हैं तो क्या दुरुस्त है कि नहीं देखिए कुछ दिनों के लिए कोई मजबूरी है कोई बात है तो चल जाएगा लेकिन मुस्तकिल एक आदमी आदत बना ले कि हम ईशा और फजर की नमाज अकेले पढ़ेंगे मस्जिद में नहीं जाएंगे तो ये कतर मुनासिब नहीं है क्योंकि नमाज सिर्फ इनफरादी तौर पर नहीं फर्ज है ये जो फर् नमाज है ना ये जमात के साथ फर्ज है याद रखे ये अकेले तना पढ़ने से मसला नहीं हल होगा की कोई मजबूरी हो बल्कि इस नमाज को आपको जमात के साथ ही पढ़ना होगा मस्जिद में आकर ही पढ़ना होगा आप घर बैठे नहीं पढ़ सकते कुछ दिनों के लिए मजबूरी में चल सकता लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप ये आदत नहीं बना सकते और याद रखे जहां अगर आप हैं और वहां कोई मस्जिद नहीं आसपास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो जगह आप छोड़ दें अगर आप किराए पे हैं तो खाली कर दें और आसान है किराए पे नहीं तो बेच के आप कहीं और जा सकते हैं बल्कि बहुत सारे इलाकों में आप देखेंगे कि कितने लोग अपने दुनियावी मफाद के लिए दुनियावी फ़वाद के लिए अपना मकान कितने लोग बेच रहे हैं कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं और कहीं और का बंदा आके यहाँ शिफ्ट हो रहा है ये जो शिफ्टिंग हो रही है इधर उधर जो है मुंतकिल होते हैं ये दुनियावी मकासद के पेश नज़र तो दुनिया की कोई मांग हो तो आप जगह छोड़ देंगे हती कि मुल्क छोड़ देंगे और अगर अल्लाह की मांग हो शरीयत की मांग हो तो आप लोकेशन तर्क नहीं कर सकते ये मुनासिब नहीं है और अगर लोकेशन पर रहना ही तो आप ऐसे अफराद तैयार कीजिए ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए कि वह सब मिल के कोई मस्जिद तामीर कर सके कोई मस्जिद बना सके खुलासे कलाम ये कि कभी कभार चल जाएगा आदमी घर पर नमाज पढ़ता है लेकिन मुस्तकिल आदत बना ले हर नमाज घर पर ही पड़े रोज़ाना तो ये मुनासिब नहीं है उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वहिला वरक शेख मेरा नाम खालीद मोहम्मदी शेख कुछ लोग नमाज़ में आते हैं जबकि इमाम रुकू में होता है तो कुछ लोग जब पीछे से आते हैं तो अल्लाह अकबर कह के सना पढ़ कर नियत बांधते हैं फिर रुकू में जाते हैं तो क्या चीज़ दुरुस्त है या फिर अल्लाह अकबर कह के डायरेक्ट रुकू में चले जाएँ प्लीज़ इसकी वजहत करें ये खलील मोहम्मदी साहब हैं इनका सवाल ये है कि कुछ लोग मस्जिद में आते हैं लेट से आते हैं ताखिर से आते हैं तो अगर इमाम रुकू में होता है तो ये जाके रुकू में शामिल हो जाते हैं लेकिन इस तरीके पर कि पहले खड़े होकर दुआ सना पड़ेंगे तो दुआ सना पड़ेंगे उसके बाद ही रुकू में जाएंगे तो भाई साहब का पूछना है कि इसका क्या हुक्म है देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वह इदारा का आफ़र कहूँ कि जब इमाम रुकू करे तो तुमको रुकू करना है तो हकीकत में इमाम जो जो हरकत कर रहा है मुक्तदी को उसको फॉलो करना है उसके साथ ही उसको करना है अब अगर इमाम रुकू में है और आप आगे पीछे दुआ सना पढ़ रहे हो तो इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि आप ने इमाम को फॉलो नहीं किया है इमाम कहीं और जा रहा है आप कहीं और जा रहे हैं सही तरीका ये है कि आप किसी भी हालत में मस्जिद में आएँ और इमाम किसी भी हालत में हो आप उसके साथ जुड़ जाएं और जब वो सलाम फेरता है तो उसके साथ अगर कोई छूट गया है तो सलाम फेर दे लेकिन ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि आके हाथ बांध लिए और दुआ सना पढ़ेंगे पहले उसके बाद इमाम का साथ देंगे ये मुनासिब नहीं है उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अल्लाम सवाल है अगर किसी गैर मुस्लिम के यहाँ दावत खाई जाए वो बंदा अगर दावत ले रहा है तो क्या ये तहकीक करना ज़रूरी है कि वो हलाल का मई या हराम भाई साहब का सवाल ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम दावत लेता है उसकी दावत कबूल करते हैं तो क्या उसकी दावत में जाने से पहले या उसकी दावत कबूल करने से पहले ये कन्फर्म करना या तफ्तीश करना ज़रूरी है कि तू हलाल का खिला रहा है या हराम का खिला रहा है देखिए इस सवाल का असल जवाब देने से पहले मैं एक बात वाजह करना चाहता हूँ कि जब इस तरह के सवाल होते हैं तो उसमें गैर मुस्लिम ही क्यों भाई मुसलमान के ताल्लुक से भी तो ये सवाल उठ सकता है कि आप किसी मुसलमान के यहाँ खाने जा रहे हैं तो वो हलाल क्या खिला रहा है या हराम क्या खिला रहा है ये पूछना ज़रूरी है कि नहीं अगर ये फिक्र है कि सामने वाला कहीं हराम कमाई का ना खिला दे तो ये शबह सिर्फ गैर मुस्लिम के साथ थोड़ी है बल्कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गैर मुस्लिम मुसलमान से ज़्यादा ईमानदार हो यानी उसकी कमाई हलाल की हो और जो मुसलमान है वो टोटल हराम का खा रहा है तो इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान की बात नहीं आती ये पहली चीज़ है दूसरी बात यह है कि हराम कमाई से या हराम माल से आपकी मुराद क्या है ये जो लोग फिक्र रखते, रखते हैं ना बहुत ज़्यादा इसका टेंशन लेके रखते हैं किसके क्या खाना है किसके क्या नहीं खाना है इनको ये तक नहीं पता होता है कि हराम कमाई क्या है हराम माल क्या है हलाल माल क्या है चुनाच आप देखेंगे कि ये लोग कभी इस बात की फ़िक्र नहीं करेंगे कि एक आदमी जो अपनी बहन की मीरास खा के बैठा है उसकी दावत में जाएँ कि ना जाएँ इन्हें ये सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जैसे कोई सूद खाने वाला है या कुछ ऐसा है उनको टारगेट करेंगे या कोई गैर मुस्लिम इनको टारगेट करेंगे इनकी दावत में जा सकते कि नहीं और जो आदमी अपनी बहन का हड़प करके बैठे उसको सर पे बिठा के रखें उसके साथ दोस्ती उठना बैठना तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये लोग आखिर ऐसे लोगों का बाईकाट क्यों नहीं करते और ऐसे लोगों की दावतों पर सवाल क्यों नहीं उठाते और ऐसे लोगों की दावतों पर फ़िक्रमंद क्यों नहीं होते जिन्होंने अपनी बहनों का खा के रखा है हड़प करके रखा है और आपको खिला रहे ज़ाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा हराम खो रही है अगर कोई अपनी बहन की विरासत हड़प करके रखा है वो बहुत बड़ा हराम खाने वाला है तो वहाँ ये फिक्र क्यों नहीं होती बहरहाल ये कुछ शुरू में बातें मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था असल जवाब इसका ये है कि भाई किसी ने भी आपकी दावत ली है ना चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो कोई भी हो आप उसकी दावत कबूल कर सकते हैं अगर आपके पास सबूत नहीं है पहले से कि कोई गलत चीज़ आपको खिला रहा है तो भले उसका कारोबार हराम का हो आप उसकी दावत कबूल कर सकते हैं क्यों वजह यह है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में गैर मुस्लिमों की दावत कबूल की है और वहां पे कोई सवाल नहीं उठाया कि ये जो हमें खाना खिला रहे हो ये अपने हराम कमाई से लाए हो या हलाल कमाई से लाए हो इस तरह का कोई सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं उठाया हाँ वो जो मसला था शराब वगैरह का तो वहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं कि उनके बर्तनों में खाने पीने से इस्तना करो क्योंकि वो है कि वो शराब पीते हैं लेकिन वहां भी मसला बर्तन का है मसला सिर्फ बर्तन का है खाने का नहीं है मसला सिर्फ बर्तन का है कि इनकी इन बर्तनों में ना खाओ लेकिन वो जो उनका जैसे हलाल चीज खिला रहे हैं तो वहां सिरे से आपको कोई तफ्तीश नहीं करना कोई तहकीक नहीं करना सामने वाला कहीं से भी चोरी का कहीं से भी खिला रहा हूं आपको तहकीक नहीं करना अगर आपको पहले से पता है पहले से मालूम है कन्फर्म मालूम है सौ फीसद मालूम है कि आदमी का छीन के ला के आपको दे रहा है तो वहां पर आपको चौकन्ना लेने की जरूरत है तो वहां पे आप ये सवाल कर सकते हैं आप वहां पर उसका बाईकार करें लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये जो खाना खिला रहा है ये कहाँ हाँ सिर्फ इतना मालूम है कि यूदी कारोबार करता है हराम का कारोबार ये मालूम है लेकिन ये जो आपको खिला रहा है खास इसके बारे में कोई खबर आपके पास नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर सकते चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम आप किसी से ये सवाल नहीं कर सकते कि तुम हराम का खिला रहे हो या आपको खाना इतना नहीं तो खाइए नहीं इतना नहीं मत खाइए लेकिन ये हर आदमी को पकड़ पकड़ के पूछें कोई दावत ले पूछें कि हलाल का है या हराम का दोबारा कोई पूछेगा और इस तरह से अगर आप ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि गैर मुस्लिम से पूछना चाहिए तो तो हर एक से पूछना चाहिए भाई आज के दौर में अगर आपके जहन में है कि गैर मुस्लिम से सवाल होना चाहिए तो मैं कहता हूँ कौन शख्स है चाहे कितना बड़ा मुत्तकी हो उससे सवाल नहीं होना चाहिए आज आम माहौल यह है कि लोगों ने अपनी बहनों की विरासत हड़प करके रखी है दिन दहाड़े खा रहे हैं तो क्या उनकी दावतों को फिल्टर करने की जरूरत नहीं है उनकी दावतों पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है उनसे पूछताछ की ज़रूरत नहीं है तो अगर आप ये समझते हैं कि गैर मुस्लिम से पूछताछ की जरूरत है तो भाई कोई बचा ही नहीं हर बंदे से पूछताछ करेंगे और अगर पूछताछ करना शुरू कर दे तो कितने जूते पड़ेंगे आप अंदाजा कर सकते हैं हो सकता है कि कोई आपको पीट दे हो सकता है कि कोई आपको अच्छे से सबक सिखा दे और दोबारा हो सकता है कि आप किसी भी दस्तरखान खान पर ना बुलाए जाए बहरहाल ये वजह नहीं है ये कहने की कि आप उनसे पूछताछ ना करें असल वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूद खोर थे चोर थे बेईमान थे शिर्क जैसा गुनाह करते थे बहुत कुछ करते थे लेकिन अगर इन्हीं में से किसी ने आपको दावत दी है या आपको तोहफा दिया है तो आप बिला किसी तफतीश के उसको कबूल करते थे उसको एक्सेप्ट करते थे हालांकि इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर तक दे दिया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल नहीं किया कि ये जो खिला रहे हो ये क्या है हलाल हराम तो दूर की बात है वो जहर दे दिया उन लोगों ने और आप सल्सम ने उसको खा लिया तो खुलासा यह है कि नॉन मुस्लिम हो या कोई भी हो अगर कोई दावत दे रहा है आपको खिला रहा है तो वहाँ पे ये पूछने की जरूरत है हरगिज़ नहीं बल्कि नहीं पूछना चाहिए खतर नहीं पूछना चाहिए आपको खाना है दावत कबूल करना कबूल कीजिए या कोई माकूल बात कह के आप माजरत कर लें लेकिन यह सवाल नहीं उठाना चाहिए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वरह नाम खालिद मोहम्मदी है सवाल यह है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कपड़े को फोल्ड करके अगर नमाज पढ़े तो होगी या नहीं जैसा कि कलर आस्तीन वगैरह या पॉइंट वगैरह वरह भाई साहब का सवाल यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी ने कपड़े को मोड़ के नमाज पढ़ा जैसे आस्तीन का कपड़ा मोड़ लिया या नीचे पैजामा उसको मोड़ लिया तो उसकी नमाज नहीं होती है ऐसा कुछ लोग कहते हैं तो देखें इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है कि अगर किसी ने कपड़ा फोल्ड कर दिया तो उसकी नमाज नहीं होती है अलबत् यह हदीस मौजूद है कि नमाज की खातिर कपड़ों को नहीं समेटना चाहिए यह है लेकिन उसमें भी ये आस्तीन वाला कपड़ा नहीं मुराते आस्तीन का कपड़ा अगर कोई आदमी गर्मी की वजह से समेट ले रहा है किसी दिक्कत की वजह से तो वो भी उसकी जद में नहीं आएगा वो मुराद बिल्कुल नहीं है और ऐसे ही अगर कोई जो पैंट है और उसका कपड़ा टखने से नीचे है उसको कोई थोड़ा सा ऊपर करा है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा इन सब चीज़ों की वजह से ये नहीं कह सकते कि उसकी नमाज़ नहीं होती है अलबत् ये ज़रूर है कि अगर टखने से नीचे किसी का पैजामा ऊपर कर रहा है तो उसको ये हम ज़रूर कहेंगे कि तुम्हें इतना बड़ा कपड़ा नहीं सिलाना चाहिए तुम्हें अपना कपड़ा छोटा कर लेना चाहिए ताकि ये मोड़ने की नौबत ना आए लेकिन अगर कोई मोड़ रहा है तो उसकी वजह से हम ये नहीं कहेंगे उसकी नमाज बातिल हो जाएगी लेकिन वो गलत है उतना बड़ा कपड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन ये अस्म अगर मोड़ रहा है तो ये गलत भी नहीं है इसको आप गलत भी नहीं कह सकते गर्मी की वजह से अगर कोई मोड़ रहा है तो इसकी गुंजाइश है अलबा भाई नमाज की हालत में बेहतर तो ये कि आदमी सही से नमाज पढ़े मस्जिद में ऐसा इंतज़ाम हो गर्मी से बचाव का रास्ता हो पंखे हों या ए सी हों ताकि आदमी जीनत के साथ नमाज में जाए और जीनत इख्तियार करते हुए अल्लाह तआला की इबादत करे इसका इंतजाम होना चाहिए लेकिन अगर किसी ऐसी जगह आदमी नमाज पढ़ा जहाँ बहुत शदीद गर्मी है वो आस्तीन को मोड़ना चाहता है तो आस्तीन को मोड़ सकता है इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वरिस्ल्प व शेख मेरा नाम खालिद मोहम्मदी कई लोग कहते हैं कि बग़ैर वजू के कुरान नहीं छूना चाहिए तो इसके बारे में प्लीज थोड़ी वजाहत करें क्योंकि कुरान को छूने के लिए पाकी होना जरूरी या फिर वजू ये खालिद मोहम्मदी भाई है, इनका अगला सवाल ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बग़ैर वजू के कुरान मजीद नहीं छूना चाहिए इसकी क्या हकीकत है था? तो देखिए हमारी मालूमात में इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है कि बगैर वज़ू के कुरान नहीं छूना चाहिए हाँ अगर कोई शख्स इसका एहतमाम करता है यानी बावज़ू होकर ही कुरान हाथ लगाता है पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है मैंने कहते गलत है अच्छी बात है तो कमाल नज़ाफत का एहतमाम कर रहा है वो लेकिन अगर एक शख्स वज़ू से नहीं है और वो कुरान पढ़ रहा है या कुरान छू रहा है तो उसको रोकने की कोई दलील नहीं है आप हरगिज हरगिज ये नहीं बोल सकते कि चूँकि उसका वजू नहीं है इसलिए वो कुरान छू नहीं सकता कुरान पढ़ नहीं सकता ये बहुत ही रॉन्ग बात है बहुत ही गलत बात है बल्कि कुरान से लोगों को दूर करने वाली बात है हम समझते हैं ये सब शैतानी वसवसे हैं शैतान नहीं चाहता कि आदमी कुरान के पास आए कुरान पढ़े इसलिए वो कुरान तक पहुंचने से पहले इतनी पाबंदियां खड़ी करता शरीय नहीं शैतान कि एक आदमी कुरान के नाम सुनते ही घबरा जाए अरे कौन जाए हम पाक साफ़ नहीं है वज़ू नहीं कौन छुए और सूरत हाल ये होती है कि घर में कुरान का नुस्खा रखे रखे उसकी क्या हालत हो जाती है आप जानते हैं कोई हाथ नहीं लगाता जल्दी क्यों नहीं क्या आदमी समझता है कि मैं हाथ लगा ही नहीं सकता मैं वजू से नहीं हूँ यहाँ तो शेख अलबानी रहमला ने यहाँ तक कहा कि वजू तो जाने अगर कोई नापाक है तमाम मिलना पड़ी शेख अलबानी रहमला की किताब कि अगर कोई नापाक है जुम्बी है या औरत हाइजा है तो ये लोग भी कुरान न सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि हाथ लगा सकते हैं छू सकते हैं क्योंकि इससे मना करने की कोई दलील नहीं है और ये इबादत नहीं है मामला है मामला में बाई डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें हलाल होती हैं हराम करने के लिए आपको दलील देना पड़ेगा और हराम करने के लिए कोई दलील नहीं है इसलिए कुरान मजीद को छुआ भी जा सकता है बगैर वजू के और पढ़ा भी जा सकता है कोई हर्ज की बात नहीं उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम शेख मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हैदर है और मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूं मेरा सवाल यह है कि नमाज वितर सुन्नत है या वाजिब फिरोज ये मोहम्मद शिरोज़ हैदर भाई हैं ये सवाल कर रहे हैं कि नमाज वितर सुन्नत है या वाजिब है भाई ये सुन्नत है ये वाजिब नहीं है ये फ़र्ज़ नहीं है अगर किसी ने वितर छोड़ दिया कभी कभार तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुनहगार है अल्बत्ता इसे तर्क नहीं करना चाहिए इसकी पाबंदी करनी चाहिए अल्लाह के रसूल वसल्लम सफ़र में भी इसकी पाबंदी करते थे तो इसकी बड़ी ताकीद है इसका अहतमाम करना चाहिए लेकिन बहरहाल इसे फ़र्ज़ और वाजिब कहने की कोई दलील नहीं है इसलिए इस नमाज़ को हम फर्ज या वाजिब नहीं कह सकते ये सुन्नत है ये वाजिब और फर्ज नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा नाजरीन वक्त तो हो चुका है यहीं पर यह प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं और आखिर में आपके सामने वाजे करते हैं अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है बल्कि इस नंबर पर जो व्हाट्सअप मौजूद है उसी पर आपको अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजना है आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो में रिकॉर्ड कर लें या ऑडियो में रिकॉर्ड कर लें या लिख लें और इस नंबर पर जो व्हाट्सअप मौजूद है वहाँ पर भेज दें याद रखें जो सवाल वीडियो या ऑडियो में हम तक आते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं इसलिए कोशिश करें कि अपना सवाल वीडियो या कम से कम ऑडियो ही में रिकॉर्ड करके भेजें सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज में हो इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो और साथ ही साथ सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ नाजरन इसी के साथ दीजिए इजाज़त इन फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल उनके जवाब के साथ और असलम वरह वक्मदुल्ल इस एपिसोड को बनाने में नाजिर बीबी ने पूरा तान किया है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें